Asus VivoBook K15 OLED. OLED हाईलाइट करना तो बनता है भाई। तो ये एक ऐसा स्टूडेंट वाला लैपटॉप है जो लगभग हर बंदा यूज कर सकता है। तुम सोच रहे हो ऐसा क्या है इसमें, तो वीडियो देखते रहो समझ जाओगे। तो बस फिर शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त यूश, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो सबसे पहले जो लोग गाजियाबाद, नोएडा या फिर दिल्ली के आसपास से देख रहे हैं, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप परचेज करना हो, गेमिंग, नॉन गेमिंग, स्टूडेंट के पर्पज से या फिर बिजनेस रिलेटेड, तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन पर। और ये लैपटॉप भी हमें उन्हीं ने प्रोवाइड किया है और इनके स्टोर्स गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली हर जगह पर है। तो अपने हिसाब से देख लेना और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर अपने भाई का रेफरेंस दे दोगे तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। और इसके साथ ये वाला बैग फ्री मिलता है हमको, इनकेस अगर तुम ऑफलाइन परचेज करोगे तो। तो यहाँ अपनी वीवो बुक की ब्रांडिंग है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, फुल सर्च ऑपरेशन चालू है। तो सबसे पहले आता है ये सफेद कपड़े में लिपटा हुआ लैपटॉप। तो एक आता है इसके साथ हमारा 65 वॉट्स का अडैप्टर, एक पावर कॉर्ड और ये बहुत सारी पुस्तकें और इसके अंदर है। तो इसमें बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं हमको और इन्हें चिपकाने से कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेगा लैपटॉप पे। कुछ भी कहो, वैसे ये सब सामान बहुत सारा देता है लैपटॉप के साथ, मतलब खाली खाली नहीं पकड़ाता। टेंटन है, खोलते ही ओलेड की तारीफें बांध रखी है। तो फाइनली ये रहा अपना लैपटॉप, एकदम प्लेन डिजाइन के साथ सिल्वर कलर में आता है। यहाँ अपनी वीवो बुक की ब्रांडिंग, यहाँ पर भी एक सिल्वर स्ट्रिप दी हुई है, एकदम सिंपल प्रोफेशनल टाइप। नीचे की साइड में एयर इनटेक के लिए थोड़े से वेंट्स ओपन मिलते हैं और नीचे स्पीकर ग्रिल मिलती है और चार रबर ग्रिप्स मिलती है। तो अगर एक हाथ से हम ओपन करने की कोशिश करें तो ये नहीं होता, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। तो एसुस के लोगों के साथ ये बूट अप हो जाता है, काफी जल्दी बूट अप हो जाता है, ऑल थैंक्स टू एसएसडी। तो अगर हिंजेस की बात करें तो वैसे मुझे हिंज क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं लगी, हिंज क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी डिस्प्ले इसकी वोबलिंग करती है, बट इतना बड़ा इशू नहीं लगा मेरे को। और क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत फ्लेक्सेस हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो अपर लिड में तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत फ्लेक्स डेफिनेटली इसके अंदर है। और अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो हल्का फुल्का फ्लेक्स वहां पर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका वेट काफी कम है, 1.6 केजी के आसपास इसका वेट है। तो हल्का बनाने के साथ साथ इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया प्लास्टिक का वो काफी अच्छा है, तो तुम्हें चीप क्वालिटी नहीं लगेगी। तो यार मैं सोच रहा था कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है यार थिन एंड लाइट लेना चाहिए या फिर हमें गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। तो अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो तो कमेंट करके बता देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अपने भाई के चैनल को। यार मतलब अपना चैनल समझो भाई, लाल बटन ग्रे कर दिया करो बिना गए। मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर हमारे पास इंटेल कोर i5 11 जनरेशन और ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स। तो इसमें डुअल चैनल 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। स्टोरेज है इसके अंदर हमारे पास 512GB की PCIe Gen 3 M.2 SSD और कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास है Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.0। और इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए, बढ़िया काम हो गया। छेदों की बात करें कि इसमें कितने छेद हैं, तो इसमें बहुत सारे छेद हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास दो USB 2.0 टाइप ए वाले पोर्ट्स, बस अभी तो कह रहे थे बहुत सारे हैं, बाकी राइट साइड में ना, सारे लेफ्ट में थोड़ी घुसाएंगे पोर्ट्स। तो राइट साइड में हमारे पास एक चार्जिंग पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक USB-C 3.2 Gen 1 का पोर्ट और एक हमारे पास माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। सही सुना तुमने, माइक्रो SD कार्ड का। तो ये पता नहीं कहाँ काम आएगा आज के टाइम पे, सोचने वाली बात है, क्या सोच के माइक्रो SD कार्ड दिया होगा, है ना। तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि यार टाइप सी पोर्ट हमारे क्या काम आएगा, तो इसके टाइप सी पोर्ट से तुम डिस्प्ले शेयर कर सकते हो, फाइल ट्रांसफरिंग कर सकते हो, अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हो। तो लीड ओपन करती लेफ्ट साइड में i5 और आईरिस एक्सी ग्राफिक्स की ब्रांडिंग कर रखी है और माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट भी है, देखा है ना, फ्री कह रहा था मैं। और राइट साइड पे इसके कुछ डेडिकेटेड फीचर्स छाप रखे हैं और यहाँ पर हरमान कार्डन की ब्रांडिंग। तो इसमें जो स्पीकर्स हैं वो साउंड बाय हरमान कार्डन है, यानी कि अच्छे होने चाहिए, बाकी देखते हैं। तो डेफिनेटली लाउडनेस बहुत तगड़ी है और तुम्हें थोड़ी बहुत बेस भी फील होती है इसमें। और अगर तुम्हें कुछ छेड़छाड़ करनी है तो DTS का सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसमें अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेना। और बीच में हमारे पास है हमारा टच पैड, जिसके अंदर तुम्हें एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, वो एक्चुअली इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफी अच्छा काम करता है, लगभग हर बार ओपन कर देता है और फास्ट भी है। टच पैड की बात करें तो एक अच्छे खासे साइज का टच पैड है इसमें। और क्वालिटी की बात करें तो मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी इसकी, क्लिकेबल है और मतलब अच्छे से फीडबैक दे देता है और इसमें विंडोज 11 के सारे जस्टर्स मस्त काम करते हैं। और टच पैड के नीचे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी शेप दिखेगी, तो ये लैपटॉप की लिड को ओपन करने के लिए दिया। कीबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर हमें एक सिंगल बैकलिट कीबोर्ड मिलता है व्हाइट कलर की लाइट के साथ। कीबोर्ड की क्वालिटी मेरे को काफी सही लगी, मतलब Asus के कीबोर्ड वैसे अच्छे ही होते हैं, तो फीडबैक भी अच्छा मिलता है। तो टाइपिंग वगैरह के अगर तुम्हारे काम होते हैं, जैसे अगर तुम कोडिंग वोडिंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें मस्त काम करेगा। इसमें हमें कुछ शॉर्टकट्स भी मिलते हैं तो वो बता देता हूँ तुम्हें। F11 से यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, F10 से कैमरा को हम डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर अब कैमरा ऐप ओपन करोगे कैमरा ओपन नहीं होगा, तो ये
प्राइवेसी के लिए। F6 से तुम टच पैड को अनेबल डिसेबल कर सकते हो, और अगर Fn+F दबा दोगे तो तुम इसके दूसरे परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो सकते हो। तो जब तुम परफॉर्मेंस मोड पे जाओगे तो ये 40% का परफॉर्मेंस बूस्ट देता है लैपटॉप को, ऐसा ASUS क्लेम करता है। फिर आती है हमारी 15.6 इंचेस की एक बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले जिसके ऊपर एक छोटा सा वेबकैम भी मिलता है। तो ये इसकी वेबकैम की क्वालिटी देख लो भाई कैसी आ रही है। ASUS कहता है कि नॉइज कैंसिलेशन वाले माइक है, तो देख लो कि कैसा मतलब नॉइज रिडक्शन हो रहा है। पंखा और AC दोनों चालू है, देख लो कैसी आवाज है, बता देना यार फिर कमेंट सेक्शन में। तो ये अपनी माई ASUS ऐप, तो यहाँ से तुम अपनी सपोर्ट सर्विसेज ले सकते हो और बहुत सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर मिलती है। तो अगर तुम कस्टमाइजेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ चार्जिंग मिल जाएगी, तो बैटरी हेल्थ को बढ़ाने के लिए किस हिसाब से तुम्हें चार्जिंग करनी है वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर ASUS इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस मोड पे कर रखा है, तो तुम बैलेंस या फिर विस्पर मोड पे करके बैटरी बचा सकते हो। और यहाँ पर अपना AI नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल पे सेट था तो तुम यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो। OLED केयर के अंदर तुम्हें डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ तुम अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो, विविड में चाहिए तुम्हें या फिर मैनुअली अपने हिसाब से डिस्प्ले का कलर चेंज कर सकते हो, और फंक्शन की लॉक और बहुत सारे फीचर है, तो तुम मतलब यूज करोगे जब अपने आप समझ जाओगे। फाइनली डिस्प्ले पे आ गया हम भाई, इसकी डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर है। तो अपने कान नाक सब खोल लो, मतलब नाक क्यों खोलोगे, छोड़ो कान खोल लो, ध्यान से सुनना। इसमें हमारे पास 1080p रिजोल्यूशन के साथ आने वाली एक FHD OLED डिस्प्ले, तो एंटी ग्लेयर नहीं है। इसमें तुम्हें ग्लोसी पैनल मिलता है, 600 निट्स की पीक ब्राइट मिलती है इसमें, और 100% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है जो कि 133% sRGB के इक्वल होता है। तो जिसको नहीं पता, DCI-P एक्चुअली sRGB के जो कलर वाली बैंडविड्थ होती है उससे भी थोड़ी बड़ी रेंज का होता है। डिटेल में जानना है तो गूगल कर लेना, तरस खा लो अपने भाई पे। और ये डिस्प्ले वीजा सर्टिफाइड ट्रू ब्लैक डिस्प्ले है जिसमें 1 बिलियन कलर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ASUS कहता है कि ये डिस्प्ले 70% लेस ब्लू लाइट फेंकेगी जो आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालेगी, और 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम इस डिस्प्ले का, तो काफी ज्यादा स्मूथ लगेगी तुम्हें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की डिस्प्ले को बड़ा कर दिया। एक शब्द में बताऊं ना तो बढ़िया है, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। और OLED की पहचान क्या होती है वो बताता हूं। तो डिस्प्ले एकदम ब्लैक हो जाती है OLED में, और तुम्हें कहीं पर भी किसी भी पिक्सल की लाइट नहीं दिखेगी। इवन अगर मैं ब्राइटनेस को तेज भी कर दूं तो ये वाली पूरी जगह ब्लैक रहेगी, और सिर्फ बीच-बीच में से जो लाइट है वो आ रही है। और जिस बजट में आ रही है, मतलब i3 वाला वर्जन इसका कुछ 46,000 के आसपास है, उस बजट में इससे तगड़ी डिस्प्ले नहीं मिलेगी किसी लैपटॉप में भी। थिन एंड लाइट इसीलिए ले रहे हो ना क्योंकि बैटरी अच्छी चाहिए। तो इसके अंदर हमें 42 वाट आवर की एक 3 सेल बैटरी मिलती है। आई नो कैपेसिटी कम है लेकिन बैकअप काफी अच्छा दे देता है ये लैपटॉप। तो मैंने इसके अंदर टेस्ट किया था 50-60% ब्राइटनेस पे, बैटरी सेवर वगैरह ऑन करके, मतलब पूरी कोशिश करी थी बढ़िया बैकअप लेने की। तो 4 से 5 घंटे का मैक्सिमम बैकअप इस लैपटॉप ने मुझे दे दिया। वैसे थोड़ी बड़ी बैटरी दे देते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, भाई कितनी ताकत इस लैपटॉप में है और क्या यह हमारे काम झेल भी सकता है या फिर नहीं। तो बेंचमार्क्स के लिए मैंने इसके अंदर Cinebench R23 टेस्ट किया था हमेशा की तरह, तो उसमें हमारे पास सिंगल कोर स्कोर आया था 1296 और मल्टी कोर स्कोर था 5280, और Geekbench 5 में हमें सिंगल कोर स्कोर मिला था 1344 और मल्टी कोर स्कोर आया था 4701। तो सिंगल कोर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और मल्टी कोर में भी 4 कोर के प्रोसेसर के हिसाब से काफी सही है, और मैंने परफॉर्मेंस बूस्ट वाले मोड में टेस्ट किया था। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए जो हल्का फुल्का भी हो, जिसके अंदर बैटरी भी काफी सही चल जाए, और तुम उसे अपने कॉलेज में आराम से लेके घूम सकते हो, जिसमें तुम्हारे काम भी लगभग सारे निकल जाए, तो डेफिनेटली तुम इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें प्रोडक्टिव काम करना है जैसे कि एडिटिंग वगैरह हो गया तो तुम इसके अंदर वो भी कर सकते हो। मैंने फोटोशॉप टेस्ट किया था तो इसके अंदर फोटोशॉप में कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम स्मूथ चल रहा था और आराम से एडिटिंग हो रही थी। वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने इसमें प्रीमियर प्रो टेस्ट किया था, तो प्रीमियर प्रो में भी तुम अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर लोगे। 1080p 60 में तो तुम हाई लेवल एडिटिंग कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन 4K के लिए मैं श्योर नहीं हूं, तो मीडियम लेवल की मान के चलो उसमें भी तुम्हारी हो जाएगी। और अगर एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें तुम कलर ग्रेडिंग भी कर सको बजट सेगमेंट में, तो इस लैपटॉप में वो भी पॉसिबल है। तो ये सारे काम तुम इस लैपटॉप में बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे ग्राफिक ओरिएंटेड काम होने वाले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक वाला लैपटॉप लेना, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप होते हैं जिनमें 4-4 GB के ग्राफिक कार्ड होते हैं, तो वो तुम अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स वाले काम इसमें ज्यादा तुम नहीं कर सकते। तो अब सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इसमें गेम वेम खेल सकते हैं या फिर नहीं, तो खुद ही देख लो कैसी परफॉर्मेंस है। पहले मैंने वैलोरेंट टेस्ट किया मीडियम सेटिंग्स पर और आराम से 90-100 FPS मिले थे जो कि मेरे को काफी सही लगे भाई, और CPU की ताकत तुम देख सकते हो इस लैपटॉप में, और बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं। खेलने में मजा आ रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो वैलोरेंट तुम डेफिनेटली एंजॉय कर लोगे इस लैपटॉप के अंदर। फिर मैंने GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल सेटिंग्स पर और FPS वगैरह तुम सारी चीजें देख सकते हो, और अगर लो सेटिंग पर खेलोगे तो तुम्हें इससे भी अच्छे FPS देखने को मिल जाएंगे। तो बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के भी बहुत सही परफॉर्मेंस ये दे रहा है, दिस इज इंप्रेसिव। फिर मैंने CS:GO टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पर, और हाई सेटिंग्स पर 30 के आसपास FPS आ रहे थे, तो डेफिनेटली लो सेटिंग्स पर तुम्हें अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 50-60 FPS तो आराम से मिल जाएंगे। तो CS:GO भी तुम इस लैपटॉप में खेल सकते हो, ये
ये मेन मेन गेम है, इनसे तुम दूसरे गेम का अपने आप आइडिया लगा पाओगे कि तुम क्या उन वाले गेम्स को इसमें खेल पाओगे नहीं, तो डेफिनेटली प्लेबल FPS पर ये गेम अच्छे से चल जाते हैं इस लैपटॉप में। तो काफी लोगों का ये डाउट होगा कि भाई इस बजट में तो हमें Acer Aspire 5 मिल जाता है 12 जनरेशन के साथ और उसमें तो ग्राफिक कार्ड भी है, तो वो वाला ज्यादा बेटर है इससे। तो हाँ, अगर तुम एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए जिसमें तुम थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सको, तो फिर तुम उस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। मैंने उसका रिव्यू भी बना रखा है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो फिर ये लैपटॉप क्यों ले? तो ये लैपटॉप मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा जिन्हें डिस्प्ले बहुत अच्छी चाहिए और कलर एक्यूरेसी से उन्हें काफी फर्क पड़ता है, और जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ ये सारे काम तुम इस लैपटॉप में कर पाओगे। अब क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो इसका बैटरी बैकअप भी उन लैपटॉप से तुम्हें ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, करंट प्राइस चेक कर लेना और जो पसंद आए वो वाला खरीद सकते हो। वैसे Asus ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इस लैपटॉप में और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी सही था। तो अगर तुम 60-70 हज़ार के बीच एक ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो थिन एंड लाइट हो, ज्यादा बल्कि भी ना हो और दिखने में भी काफी प्रोफेशनल लुक दे और उसमें तुम्हारे लगभग सारे काम चल जाएं, तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को तुम कंसीडर कर सकते हो। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ इसकी डिस्प्ले से। और अगर गेमिंग लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो मैंने बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो अगर उनकी वीडियोस देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, अपने भाई को जाके वहां से जुड़ जाओ भाई के साथ। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मार दो भाई, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल कर दो, और हम मिलते हैं तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय। तो ओवरऑल ओ भाई कटवाने पड़ेंगे भाई, बहुत बड़े हो गए यार।